Good, how are you guys? Good. I'm feeling better now. Yeah, yeah. अभी तो प्रेजेंट किया, दैट फीलिंग इज स्टिल सिंकिंग इन. वो फीलिंग अभी भी सिंक इन हो रही है एंड आई एम लाइक फीलिंग रिलैक्स नाउ. अभी फिलहाल कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं. सो अभी तो आई एम इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड. नहीं, पहले भी आई हूँ, ऐसा नहीं, बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. उसमें नहीं, हाँ हाँ करेक्ट. तो वो उसमें एक्चुअली ऑनेस्टली मैं जानती हूँ खानजादी कभी कभी अननेसेसरीली भी करती है चीजें. तो खानजादी के जो हरकत होती है वो फुटेज के लिए भी होती है. तो ऐसे सपोर्ट में ऐसे स्ट्रांगली ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे मैं किसी के अगेंस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे ऐसे पर्टिकुलरली किसी के अगेंस्ट ही, बट उस टास्क में खानजादी ने स्पेशली बहुत अनफेयर थी वो, बिकॉज शी वॉज नॉट लेटिंग द फीमेल्स गेट इन. तो वहाँ पे वो हमारे साथ गलत हुआ. समवेयर डाउन द लाइन आई वॉन्ट अंकिता टू विन. वेरी गुड लेडी. फॉर नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माय प्रोफेशन एंड लेट्स सी हाउ इट गोस फॉरवर्ड. बिग बॉस 17 अंकिता टू विन. अंकिता तो श्योर है, अंकिता और मुनावर को भी दे देते हैं. आपको किसी को देना? अंकिता. हाँ, मैंने अभी पहली बार देखा है इसको. क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूंगी, अभी सना स्टार्ट कर रही थी अच्छा, और इसको और अच्छा करना चाहिए क्योंकि अभी आ गए थे फॉर्म में. थोड़ा टाइम लगता है, मतलब स्लोली स्लोली हो जाता है. तो मुझे लगता है कि सना आ रही थी गेम में, बट ठीक है, आप ये नहीं आते तो डेफिनेटली मुझसे नहीं मिल पाते ना. मतलब आपको लगता है कि अभी भी उस शो में जाने के बाद कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग तो ऑलरेडी इतने अच्छे हो चुके हैं प्लेयर, उन्हीं को थोड़ा अच्छा मजा दिया जाए तो मुझे लगता है कि वही बेटर है. किस चीज के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं, मैं जा सकती हूँ तो वो अलग होगा, बट अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है. जब आएगा तो उसका अलग रहेगा. थैंक यू.